गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल स्टार्ट विद आर्ट। सो आज का जो ब्लॉग है हमारा होने वाला है कॉलेज के डिस्प्ले से रिगार्डिंग अप्लाइड आर्ट का, यानी कि हमारा 7 सेमेस्टर का काम सारा कंप्लीट हो गया है कैंपेन का। तो आज का जो ब्लॉग है उसी के बारे में होने वाला है। आज और कल दोनों दिन डिस्प्ले चलेगा एंड काफ़ी सारे बच्चों का प्रिंट अभी रहता है, हमने आज निकलवा लिया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे प्रिंट करा है, कैसे काम करवाया है, वो सब चीज़ें मैं आपको दिखाने वाली हूँ आज के ब्लॉग में। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का ब्लॉग। और अभी मैं फिलहाल अपनी क्लास में जा रही हूँ, हमारी थ्योरी चल रही है, तो चलते हैं। ठीक है, सेकेंड फ्लोर पे वहीं जा रही हूँ। डर रही है क्या? सो गाइस क्लास में डिस्प्ले स्टार्ट हो गया है एंड कुछ बच्चे आ गए हैं मॉर्निंग में, सुबह थ्योरी अटेंड करने के बाद अब जो है डिस्प्ले स्टार्ट कर रहे हैं। मैं भी अपना सारा सामान इकट्ठा वगैरह कर रही हूँ, ठीक है, अब लगाना स्टार्ट करती हूँ। प्रोसेस में गाइस इधर का लग गया है सबका। हमारा डिस्प्ले स्टार्ट हो गया है एंड अभी 2 दिन चलने वाला है, बिकॉज आज अभी शीट्स थोड़ा लेट आई हैं, तो अभी लगा रही हूँ मैं धीरे धीरे। बाकी कुछ बच्चों ने लगा लिया जैसे कि मैंने दिखाया एंड बाकी कुछ लगा रहे हैं। काम हुआ कैंपेन का, ठीक है, अब कल होगा एंड कल की रिकॉर्डिंग करूंगी मैं। फिर अभी फिलहाल हम कॉलेज से जा रहे हैं। कुछ ही बच्चों के आज डिस्प्ले हुए हैं, मैंने तो अभी मना कर दिया टीचर्स को कि मुझे आज नहीं करवाना था, तो कल मेरी वार्किंग होगी। कल अंजलि, अनन्या, सारे फ्रेंड्स और भी लोग आएंगे, ठीक है, कल का दिखाती हूँ। अभी ये ब्लॉग कंटिन्यू होगा। आज हमारा दूसरा दिन, अभी मैं जा रही हूँ प्रिंटिंग के लिए। प्रिंटिंग मैंने मतलब अपने कैटलॉग की प्रिंटिंग करानी है मुझे, ठीक है, मैं प्रिंट की शॉप पर पहुँच रही हूँ। कॉलेज जा रही हूँ यहाँ से, ठीक है, कैटलॉग वगैरह मेरा सब प्रिंट हो गया, मैंने आपको दिखाई दी ऑलमोस्ट, तो अभी मैं फिलहाल कॉलेज जा रही हूँ, ठीक है, जाकर डिस्प्ले करती हूँ अपना एंड लेट्स गो। मैं पहुँच गई हूँ अपने कॉलेज, ठीक है, ऑलमोस्ट पहुँचने वाली हूँ। आज हमारा दूसरा दिन है डिस्प्ले का एंड बहुत ज़्यादा हमारी बैंड बज रही है सब बच्चों की, क्योंकि एकदम से सब कुछ जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है। काफ़ी बच्चों का भी काम भी नहीं हुआ है, ऑल दो पता नहीं सबमिशन होगा उनका या नहीं होगा, बट फिलहाल मैं अपना सारा सबमिशन कंप्लीट करके ले आई हूँ एंड अब जाके मैं डिस्प्ले करने वाली हूँ। तो बस कॉलेज पहुँच कर अब डिस्प्ले स्टार्ट करना है, ठीक है। पहुँच गई हूँ मैं सारा सामान लेके, बस कॉलेज पहुँच गई, क्लास में जा रही हूँ। गाइज मेरा टॉपिक है स्किल इंडिया मिशन, जैसे कि मैंने रिपोर्ट के टाइम पर भी बताया था। तो इसमें मैंने आपको ये सारी जो आपको सामने दिख रही है ये सारी एसेसरीज हैं, एसेसरीज के 15 नंबर होते हैं। तो इसमें हमें कोई भी ऑब्जेक्ट्स बनाने होते हैं। ये मेरा कैटलॉग है, ठीक है, यहाँ पर ये बुक मार्क्स रखे हैं आगे, ये सारे इलस्ट्रेशन हैं, हेडिंग भी लगी हुई है, ठीक है। 4 इलस्ट्रेशन बनानी होती है, 4 पोस्टर और 4 प्रेसेट्स, ठीक है। ये नीचे प्रेसेट्स रखे हैं और मैंने क्राफ्टिंग एक्सप्लेनेशन ये सब जो लिखा है, ठीक है। इलस्ट्रेशंस जो हैं 4 बनाई हैं, जिसमें कि मैंने अलग अलग स्किल दिखाई है, जैसे कि यहाँ पर आप ये मेडिकल स्किल देख सकते हो कि, और यहाँ पर ये फार्मिंग स्किल देख सकते हो, ठीक है, कि इस सब में ग्रोथ हो रहा है। और इसमें ये कारपेंटर की क्रिएटिविटी वाला कॉन्सेप्ट है, ये सब में 4 प्रेस में ऐसे डिफरेंट है, ठीक है। एक बार मैं आपको ये सारा दिखा देती हूँ अच्छे से, फ़ोटोज़ मैंने क्या क्या बनाया है। ये सारी मेरी एसेसरीज़ हैं
और बॉटल इसमें मैंने एक सिपर लिया है, मग लिया है, स्केचबुक ली है, कुछ पोस्टर्स लिए हैं, स्टिकर्स वगैरह लगाए हैं, पीछे मेरे सारे पोस्टर्स लगे हुए हैं। यहाँ पर बहुत स्पेस की कमी की वजह से कुछ कुछ बच्चों को जो है टेबल पर डिस्प्ले करना पड़ा, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट थी तो मैम ने कल थोड़ा सा मेरी मार्किंग कर दी थी, तो बाकी बचा हुआ मैंने आज डिस्प्ले कर दिया। ये मेरा कैटलॉग है, कैटलॉग होता है बेसिकली जिसमें कि आपको सारा बताना होता है कि पोस्टर्स क्या होता है और आपने किस टॉपिक से रिलेटेड बताए, एग्जीक्यूशन कॉन्सेप्ट, वो सब चीज़ें। सो गाइज, अभी आप बाकी लोगों का वर्क देखो, ठीक है। ये सबके डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स थे जो कि हमें बेसिकली चूज़ भी करने थे, एक तरीके से 10 टॉपिक्स थे, उसमें से सबको चूज़ करने थे। चार चार या पांच पांच बच्चे एक सेम टॉपिक रख सकते थे बस, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन दैट उसके हिसाब से सबको टॉपिक्स मिले हैं, एंड आप सबका काम इन्जॉय करो। अब हम जा रहे हैं सी में, सेक्शन सी में। ये क्या टॉपिक है? सीजन एक्टिव पॉपकॉर्न। एक्टिव पॉपकॉर्न के तो अलग ही बढ़िया लगते हैं। गाइस पॉपकॉर्न खा लो फिर से। सारी चीजें देखो, स्टिकर्स, बैजेस, की चेन्स, स्केचबुक। ये है हैंडलूम। अच्छा लग रहा है सेक्शन सी में, घूम रहे हैं गाइस सेक्शन सी का पूरा डिस्प्ले। ये लिखा है इंस्टेंट, तो मैं इंस्टेंट जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो देखते हैं, ठीक है। फुल बॉटल मेरे दिमाग में एक आई जा रही है। साथी बेटा लिख दे। हाँ हाँ लिख रहे हैं, अभी रूल लिख रहे हैं। रिव्यू हो तो वो भी।
ओके कर रही हूँ। यार पानी कहाँ से लाऊंगा तुझे? अभी चल रही है मार्किंग और अनन्या को पीस ऑफ माइंड नहीं मिल रहा है, ढूंढ रही है यहाँ आके। तो अभी हम थोड़ा सा बैठने आए हैं एंड उसके बाद हम क्लास में जाएंगे, फिर अपना सामान सारा पैक करके ले जाएंगे जिसके लिए हमने इतनी मेहनत करी थी। बस वो 2 मिनट का काम है, 2 मिनट में टीचर्स देख लेंगे, मार्किंग दे देंगे और फिर सब सामान समेट के ले जाओ। सो गाइज अब हम ऊपर आ गए हैं, मार्किंग वगैरह हो गई है, सब टीचर्स देख गए हैं एंड अब हम पैक कर रहे हैं और हम सब ने पैक कर लिया। अब हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ, थोड़ा शाम हो गई है, शाम के 6:30 बजे इस टाइम। एंड ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करना एंड टेक केयर, बाय बाय।